गोल्डन टेंपल, जलियावाला बाग, चौक बाबा साहेब, अमृतसरी कुलचे, मलाई वाली लस्सी, फुलकारी दुपट्टे, आपको पता ही चल गया होगा हम जा रहे हैं पंजाब की जान अमृतसर में। और हम ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे अमृतसर के टूर में, बहुत मजा आने वाला है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो अमृतसर पड़ता है यहाँ पे और लाहौर से ये बहुत ही करीब है। आप यहाँ पे बाय रोड, ट्रेन या तो फ्लाइट से आ सकते हो। इंडिया के मेजर सिटी से अमृतसर तक फ्लाइट आराम से आती है और हम जा रहे हैं बाय रोड क्योंकि हमारा चंडीगढ़ और अमृतसर का प्लान एक साथ हुआ है। इस पूरे टूर में मेरे होटल्स, प्राइवेट कैब्स, टूरिस्ट प्लेसेस, मील्स सब कुछ पहले से ही इंक्लूडेड है और ये मुझे बहुत सस्ते में पड़ा है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। चंडीगढ़ टू अमृतसर जाते हुए ऑन द वे हमें दिखा सरदार भगत सिंह जी का गांव और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा म्यूजियम बना हुआ है डेडिकेटेड टू सरदार भगत सिंह जी और जगह का नाम है खटकर कलन। बस करने के लिए इसी ढाबे पे रुके हैं हाईवे के एकदम सामने। लंच अमृतसर पहुंचने के कुछ ही किलोमीटर पहले है रूरकेला अमृतसर और ये जगह बहुत ही बढ़िया है। चाहे आपको ब्रेकफास्ट करना हो, लंच या डिनर, ये जगह मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी। चंडीगढ़ से हम निकले थे सुबह के 9 बजे और अमृतसर पहुंचते पहुंचते हमें दोपहर के 2 बज गए। गूगल के साथ आप मत जाइए, वहाँ पे सिर्फ 4 घंटे लिखे है, बट अगर आपको ब्रेकफास्ट लंच करना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। आलू के पराठे, पराठे के साइजेस देखो जरा। कहते हैं कि पराठे के होते हैं 3 यार, दही, बटर और अचार, पर हम तो बटर और चने के सब्जी के साथ ही काम चला लेंगे। देख के मुंह में पानी आ रहा है। अमृतसर एंटर करते वक्त आपको ये एक एंट्रेंस गेट दिखेगा जिसका शेप गोल्डन टेंपल के डोम जैसा दिखता है। पंजाब में आप सभी का स्वागत है। अमृतसर पहुंचते ही हम सीधा चल पड़े अपने होटल में और ऑब्वियसली मैं आपको रूम टूर तो दूंगी ही। So this is our room at Amritsar. Bathroom से start करते हैं। ये रहा shower area और ये रहा room, क्योंकि हम 3 लोग हैं तो वहाँ पे एक extra bed डाल दिया गया है। This is a king size bed और ये रहा single cot, यहाँ पे obviously मैं ही सोने वाली हूँ। And we also have a mini refrigerator, a television, सामान यहाँ पे सब कुछ है और ये गोल्डन टेंपल से ज़्यादा दूर भी नहीं है। मम्मी पापा के लिए बेड, मुझे तो यही सोना पड़ेगा। एसी इज वर्किंग, फैन और ये हॉलवे में बहुत सारे मिरर्स भी है। एंड दिस इज द अदर रूम, ये रहा दूसरा रूम और इस स्पेस में रखा हुआ है टेबल चेयर, ये रहा बेड एंड एवरीथिंग एल्स इज जस्ट द सेम। फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े चौक बाबा साहिब के तरफ। हम के बज रहे 6:15 और हम निकल रहे हैं गोल्डन टेंपल के लिए। चौक के ठीक बीचों बीच आपको दिखेगा महाराजा रंजीत सिंह जी का ये बहुत ही बड़ा स्टैचू और उसके ठीक पास है पार्टीशन म्यूजियम। आप चाहो तो पहले पार्टीशन म्यूजियम भी देख सकते हो और गोल्डन टेंपल घुसने से पहले आपको सर से लेके पैर तक पूरा कवर्ड रहना पड़ेगा। तो जो पहली बार के लिए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि गोल्डन टेंपल और जलियावाला बाग बिल्कुल आस पास है, एक ही एरिया में। और अगर आप कार से आ रहे हो तो कार आपको बहुत पहले पार्किंग करके आना पड़ेगा। बीच में अंदर ई रिक्शा चलते हैं तो अगर आपको वॉक करने में प्रॉब्लम है या आपके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं तो आप ई रिक्शा लेके आराम से आ सकते हो और ई रिक्शा एक जगह पे रोक देगी, फिर आप आराम से या तो गोल्डन टेम्पल जाओ या तो फिर जलियावाला बाग की तरफ आओ। और भी आगे, बहुत आगे वॉक करते हुए जाना है। आज संडे है शाम के टाइम में, बट फिर भी भीड़ थोड़ी कम है क्योंकि सब लोग वाघा बॉर्डर गए हुए। मेरे साथ साथ आसपास के लोग भी आ रहे हैं। गोल्डन टेम्पल और जलियावाला बाग तो पास पास ही है और उसके पहले आपको ये बहुत ही बड़ा मार्केट मिलेगा। फाइनली हम आ पहुंचे हैं गोल्डन टेम्पल। ये जगह है जहाँ पे आपको अपनी शूज डिपॉजिट करनी है और टोकन लेना जरूरी है। दिस इज द प्लेस, सबके जूते चप्पल रखने हैं यहाँ पे और बदले में आपको टोकन लेना है, सो टोकन लेना मत भूलना। टोकन ठीक है मिला, टोकन मिल गया, चलो पे पैर धोते हुए जाना है। ओ चलो, वेलकम टू वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेसेस ऑन द प्लैनेट। हाँ
हरमंदिर साहिब, जिसको हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं, दुनिया भर से भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और टेंपल के चारों ओर जो ये आप सेक्रेट पॉन्ड देख रहे हो, इसे कहते हैं अमृत सरोवर। जो भी भक्त आते हैं मंदिर के दर्शन से पहले, वो इस पवित्र जल पे डुबकी लगाते हैं। वाहेगुरु के दियावी, ये तो आवन का सबका सब। गोल्डन टेंपल खुला रहता है सुबह की 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, और टेंपल के प्रेमिसेस में आप रात भर रुक सकते हो। और हम अभी क्यू पे लगे हैं गोल्डन टेंपल के अंदर जाने के लिए। टेंपल के अंदर फोन्स और कैमरास लेना सख्त मना है। गोल्डन टेंपल दर्शन करने के बाद हमने ग्रहण किया काढ़ा प्रसाद। यहाँ आके आप काढ़ा प्रसाद मिस नहीं कर सकते। बस अभी अभी दर्शन खत्म हुआ है। ये जो आप लंबा लाइन देख रहे हो, वहाँ पे हम लोग रुके थे एटलीस्ट 2 घंटे के लिए, और लाइन आगे आगे निकलती है और फिर आप मंदिर के अंदर जा सकते हो। अमृतसर में कोई भूखा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन। धन्यवाद। गोल्डन टेंपल में हर रोज करीब करीब 150,000 से भी ज्यादा लोग लंगर खाने आते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ के किचन में भी हाथ बटाते हैं। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, ये जगह सबके लिए खुला है, और कोई भी किचन में, बर्तन की साफ सफाई में या सर्विस में हाथ बटा सकता है। गुरु का लंगर, ये परंपरा आरंभ किया था गुरु नानक देव जी ने, और स्थापित किया था सिखों के तीसरे गुरु ने, श्री गुरु अमरदास जी ने, और ये हुआ था गोइंदवाल में। क्या आपको पता है, मुगलों के बादशाह अकबर ने भी लंगर ग्रहण किया था जब वो श्री गुरु अमरदास जी से मिलने गोइंदवाल गए थे। लंगर करने के बाद अगर आप चाहो तो मंदिर के कॉम्प्लेक्स में आप थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। अभी रात के बज रहे 10, और एक पालकी गुरु ग्रंथ साहिब को लेके गुरुद्वारा से चली जाएगी वहाँ, और फिर सुबह 4:45 बजे गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी में लेके आया जाएगा यहाँ पे। गोल्डन टेंपल के कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर हजारों लोग बैठ के विश्राम भी करते हैं। हम निकले थे 6 बजे और अभी बज रहा है 10:30, और फाइनली हमारी दर्शन पूरी हो चुकी है गोल्डन टेंपल की, और अभी पी रहे हैं द फेमस पंजाबी लस्सी। टेंपल से निकलते ही ये लस्सी की दुकान मिली, और 40 रुपए की ये लस्सी बहुत ही बढ़िया थी। टेंपल के पास जो ये मार्केट है, वहाँ से आप चाहो तो शॉपिंग भी कर सकते हो। अगले सुबह हम निकल पड़े जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर के लिए। अमृतसर में अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और आपको एकदम बजट ट्रिप चाहिए, तो आपका पूरा ट्रिप 5,000 के अंडर आराम से आ जाएगा। और अगर आपको ग्रुप में करना है तो मेरी प्लान सुनिए। सो वी आर 5 पीपल ट्रैवलिंग, और जब ये डिसाइड हुआ था तो आई वाज लाइक कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है, क्योंकि चंडीगढ़ इज़ एक्सपेंसिव, होटल्स आर एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव, और 5 लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, वी वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी हैसल फ्री। तो इसलिए द एजेंसी दैट ऑर्गेनाइज दिस एंटायर टूर इज ई ट्रिप्टो, एंड टिल नाउ द जर्नी हैज़ बीन रियली हैसल फ्री। चाहे आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आपके साथ सीनियर सिटीजन है, मॉम डैड है या बच्चे हैं आपके, तो ये सब कुछ सॉर्ट आउट करके देंगे। सो लाइक फ्रॉम होटल्स टू ट्रांसपोर्टेशन टू मील्स टू टूरिस्ट प्लेसेस, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट में आते हो और आके होटल्स यहाँ पे बुक करते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। आई वॉज जस्ट चेकिंग आउट होटल्स इन चंडीगढ़, और अगर आपको थोड़ा अच्छा खासा होटल चाहिए विद गुड रिव्यूज एंड गुड एवरीथिंग, तो वो पर डे एटलीस्ट 4,000 to 5,000 जाता है, इंक्लूडिंग योर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, और काफ़ी सस्ता भी पड़ा है। एक्चुअली हम लोग 5 दिन के ट्रिप कर रहे हैं, एंड पर पर्सन इट कॉस्टेड अस ओनली 11,300, क्योंकि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर फ्रॉम चंडीगढ़ टू अमृतसर, देन अगेन अमृतसर टू दिल्ली, सो इंक्लूडिंग दोज ट्रांसफर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग, इट कॉस्टेड अस 11,300 पर पर्सन। दिस इंक्लूड्स होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, मील्स, यू नो, डिनर एंड ब्रेकफास्ट और टूरिस्ट स्पॉट, सो ये काफ़ी बजट में आ गया है। सो दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड, इफ यू आर कमिंग विद योर फैमिली, यू हैव किड्स, गो विद ई ट्रिप्टो। देख लो, जलियांवाला बाग और गोल्डन टेंपल जाने का रास्ता ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कल भी हम लोग यहीं से गुजरे थे। यहाँ से सीधा चले जाएंगे गोल्डन टेंपल, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जलियांवाला बाग। यहाँ से चल लेंगे सीधा जलियांवाला बाग।
जलियावाला बाग के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है। जलियावाला बाग के अंदर आपको मेमोरियल, शहीदी वेल और ये गैलरीज दिखेगी, जहां पे जलियावाला बाग हत्याकांड की सारी कहानियां दर्शाई गई है। जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं कुछ शब्दों में समझा देती हूँ। बैसाखी के दिन 1919 में जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे करीब करीब 20,000 लोग जमा हुए थे और जनरल डायर ने उनपे ओपन फायर करने की आदेश दी थी। चारों ओर ना ग्लासेस लगे हुए, ग्लासेस फिट किए हुए, तो इससे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बट आप फिर भी आराम से देख सकते हो वेल को। यही वो वेल था जहाँ पे हमारे सारे नौजवान शहीद हुए थे, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द शहीदी वेल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि करीब करीब 120 लोगों की बॉडी रिकवर हुई थी वेल से, क्योंकि वो गोलियों से बचने के लिए वेल पे चले गए थे, वेल पे कूदे थे, बट वहाँ पे भी उनको मार दिया गया। जो 20,000 लोग जमा हुए थे वो बस पीस रैली कर रहे थे रोलट एक्ट के खिलाफ, पर यहाँ पे भी उनको मार दिया गया। करीब करीब 1650 गोलियां चली थी उस दिन, और क्राउड में बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल थे, जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम सारी कम्युनिटी से थे। ये वो वॉल है जहाँ पे गोलियों की छेद लगी थी, और यहाँ पे ऐसे व्हाइट बॉर्डर बनाया हुआ था कि आप देख सको, यहाँ पे ये लगा के रखा है, ये है ये पूरा दीवार, यहाँ पे गोलियाँ लगी थी वो देखिए, नीचे देख सकते हैं, नीचे भी है, यहाँ पे गोलियों की वो है छेद बनी हुई है चारों ओर। ये जो छेद देख रहे हो आप, यही छेद है, ये गोलियों की छेद है जो उस वक्त लगी थी। यहाँ पे माहौल ही एकदम अलग है, यहाँ पे आप आओगे तो आपका मूड और आपका फीलिंग सब चेंज हो जाएगा, बहुत ही अजीब सा महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग शहीद हो गए आप सोच भी नहीं सकते, और उस वक्त क्या गुजरा होगा अगर आप सोचो तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा। जलियावाला बाग के ठीक बाहर ये पूरा मार्केट बना हुआ है, और फिर यहाँ से सीधा सीधा निकलोगे और आगे की तरफ, आगे से लेफ्ट मुड़ोगे तो शायद आपको गोल्डन टेम्पल दिख जाएगा, बट ये गोल्डन टेम्पल के आसपास भी बहुत बड़ा मार्केट है, सेम मार्केट है जलियावाला बाग के आसपास भी है। और जलियावाला बाग से निकलते ही मार्केट प्लेस में मिली हमें मलाई वाली लस्सी। इस मार्केट में सिर्फ मलाई वाली लस्सी नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट वाली लस्सी, ड्राई फ्रूट वाली फिरनी, और ड्राई फ्रूट्स में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं। पैक कर दीजिए। जुत्ती की सेल हो रही है 150, 100, 200 रुपीज़। यहाँ पे बहुत सही सही जूती मिल रही है, 100 रुपए की, 200 रुपए की सेल लगी है, राइट आउटसाइड जलियावाला बाग। यहाँ पे मिल रहे कड़ा, यहाँ पे जबरदस्त कड़े मिल रहे हैं। ये कितने की है भैया? 200 का है, काफी मोटी कड़ा है ये, थोड़ा पतला सा, ये 300 100 और ये 200, ओके। तो निकल गए जलियावाला बाग से, अभी किस तरफ जाना है? बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत पुरानी मार्केट है ये। ये रहा सीधा गोल्डन टेम्पल, जो हम रात को चलेंगे, और ये रहा पूरा का पूरा मार्केट। और ये बिल्डिंग्स बहुत ही पुराने हैं और सारे सिमिलर हैं, सारी बिल्डिंग सिमिलर दिखते हैं, सभी एक ही डिज़ाइन में बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फुलकारी दुपट्टा मिलता है, खूबसूरत एक से बढ़कर एक। ये गोल्डन टेम्पल के ठीक सामने है ये किरपान का शॉप, किरपान हुआ, यहाँ से आप किरपान के कलेक्शन देख सकते हो और ले सकते हो, बढ़िया लग रहा है। और ठीक चौक के वहाँ पड़ता है फुलकारी वर्ल्ड, जहाँ पे आपको फुलकारी दुपट्टे की बहुत सारी कलेक्शंस मिल जाएगी। गोल्डन टेम्पल और जलियावाला बाग के बाद हम गए थे वाघा बॉर्डर में, जिस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के एंड में उस वीडियो के लिंक में डाल दूंगी। अब डिनर कर ले, पंजाब आए और पंजाबी खाना नहीं खाया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये है अमृतसरी पनीर कुलचा, ये पनीर वाला अमृतसरी कुलचा, और उसके साथ में ये चने की सब्जी आती है। ओए होए, देख के मजा आ रहा है।
हम तो फिलहाल अमृतसरी खाना एक लोकल रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि केसरदा ढाबा और रंग पंजाब में आप जरूर खाइए अमृतसरी कुलचे के साथ साथ लस्सी। वो ना मील कंप्लीट। चलो डिनर हो गया कंप्लीट और कल सुबह हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली वापस जाते वक्त 10 मिनट के लिए हम रुके थे कुरुक्षेत्र में। पहली बात, ये ब्रह्मकुंड है, यहाँ पर जो है सृष्टि निर्माण कार्य यहाँ से शुरू हुआ था, ब्रह्मा जी द्वारा बनाया हुआ। अच्छा। उसके बाद आपने सुना होगा युद्ध हुआ, युद्ध क्षेत्र यही हुआ था, ये बाहर जो है ना जितना भी सारा मैदानी क्षेत्र था ब्रह्म सरोवर के अलावा, तो यहाँ युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान जो जो सेना मारी गई थी, भगवान श्री कृष्ण ने जो पांडव थे, पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर, उनके हाथों यहाँ पर पिंडदान कराया था। तो यहाँ पिंडदान तर्पण का विशेष महत्व है। हाँ जी, अभी उस तरफ पानी है ना, ज्यादातर लोग वहीं कराते हैं। अच्छा। सुबह से यही पिंडदान और तर्पण चल रहा है। अच्छा। और ये जो मंदिर है सर्वेश्वर महादेव, ये ब्रह्मा जी द्वारा बनाया निर्मित है। अच्छा, और अच्छा, कहा जाता है इसकी एक परिक्रमा 84 कोस की भूमि में युद्ध हुआ था, तो इसकी एक परिक्रमा 84 कोस की जितनी परिक्रमा की फल देती है। 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा है इसका पूरा। हाँ, ये पूरा 4.5 किलोमीटर का परिक्रमा है।